आलिशान जीवन शैली या सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति सबसे चर्चित विषयों में से एक है जो दुनिया भर में लोगों की रुचि को बढ़ाता है और उतना ही इंटरेस्टिंग तब होता है जब एक अरबपति अपना सारा पैसा खो देता है और खुद को दिवालिया घोषित कर देता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे भारतीय अरबपतियों के बारे में बताएंगे जो सफलता के शिखर पर थे लेकिन अब टूट गए हैं और दिवालिया हो गए हैं। प्रमोद मित्तल। 2013 में बिजनेसमैन प्रमोद मित्तल ने अपनी बेटी की एक भव्य शादी करने के लिए सुर्खियों में छा गए। शादी का खर्चा लगभग 505 करोड़ रुपए था। 2020 में वह व्यक्ति जो कभी यूके के सबसे धनी व्यक्तियों में से था उसको लंदन हाई कोर्ट ने यूके का सबसे दिवालिया व्यक्ति घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर अपने पिता, पत्नी, बेटे और बहनोई समेत बहुत से लोगों का लगभग 24,155 करोड़ रुपए बकाया है। रिपोर्ट में प्रमोद मित्तल के हवाले से कहा गया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत आय नहीं है, उनका मासिक खर्चा उनकी पत्नी और परिवार द्वारा वहन किया जाता है और मेरे दिवालियापन की कानूनी लागत से निपटने के लिए एक तीसरे पक्ष को शामिल किया गया है। प्रमोद मित्तल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक लक्ष्मी मित्तल के भाई हैं। नीरव मोदी। हीरे पुरुष या महिला के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बारे में लोग ऐसा नहीं कह सकते। भारत में सबसे कंट्रोवर्शियल घोटालों में से एक नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी पर 2018 में पीएनबी बैंक के साथ लगभग 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार तब से नीरव मोदी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। इसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 2018 में पीएनबी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को बताया था कि नीरव मोदी की तीन कंपनियों ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में दिवालियापन के लिए दायर किया है जिसमें उनका फायर स्टार डायमंड्स भी शामिल है और वे चाहते हैं कि मंत्रालय कार्यवाही में शामिल हो ताकि बैंक अपने कुछ कर्ज की वसूली कर सके और इन कार्यवाही के माध्यम से 24.2 करोड़ रुपए की वसूली करने में सफल भी रहा। फरवरी 2020 में नीरव मोदी के व्यक्तिगत संग्रह से कुछ वस्तुओं की नीलामी भी की गई थी। अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि उनके भाई अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन दिवालिया हो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी ने कहा, मेरे निवेश का मूल्य गिर गया है। 700 मिलियन डॉलर के डिफॉल्टेड लोन के संबंध में कहा, मेरी देनदारियों को ध्यान में रखते हुए मेरी नेटवर्थ जीरो है। मेरे पास ऐसी कोई सार्थक संपत्ति नहीं है जिसे इन कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2019 में दिवालियापन के लिए दायर किया था। अनिल अंबानी पर आरोप लगाया गया कि वे 925 मिलियन डॉलर का लोन चुकाने में असफल रहे जो उन्होंने तीन चाइनीज बैंक से लिया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार SBI से 1200 करोड़ रुपए का लोन था जिसे उन्होंने पर्सनल गारंटी पर लिया था। विजय माल्या। दिलचस्प बात यह है कि एक समय था जब विजय माल्या ने USA के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था जब उनकी तुलना उनसे की गई थी और कहा था, मैं अभी तक दिवालिया होने के करीब नहीं हूँ। बिजनेस टुडे के अनुसार उन्होंने 1998 की उस घटना पर कटाक्ष किया जब डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज को दिवालिया घोषित कर दिया था। वही घटना नेटफ्लिक्स के बैड बॉयज बिलियनेयर में दिखाई गई थी। खैर, सब कुछ बदल गया है उस आदमी के लिए जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में जाना जाता था। विजय माल्या पर कथित तौर पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है जिसे उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को विफल होने से बचाने के लिए लोन लिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 12 इंडियन बैंक्स ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि लंदन हाई कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए दिवालियापन से राहत दी थी कि उन्हें भारतीय अदालतों में अपनी याचिकाओं को पहले निपटाने के लिए समय दिया जाना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था। BR शेट्टी। BR शेट्टी कभी एक हॉटशॉट अरबपति थे। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने विंटेज कार्स, प्राइवेट जेट और बुर्ज खलीफा पर दो फ्लोर्स और ना जाने क्या क्या बेफिजूल खर्चे करते थे।
हालांकि आज फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर और अरबपति उन लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। द वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार एनएमसी हेल्थ के फाउंडर बीआर शेट्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी कंपनी एनएमसी हेल्थ केयर, जिसे दिवालिया घोषित किया गया था, पर $6.6 बिलियन का लोन था। बीआर शेट्टी और उनकी पत्नी दोनों ने कंपनी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।